नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन का है, ध्यान दीजिएगा। माइनस वन से टू मॉड ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, सबसे बड़ी प्रॉब्लम मॉड होती है। तो अब हमने क्या करा है यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस एक्स के फैक्टर करें, ठीक है बच्चों। एक्स कॉमन ले लो तो यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन, और एक्स स्क्वायर माइनस वन के फैक्टर क्या होते हैं, एक्स प्लस वन और बच्चों एक्स माइनस वन, ठीक है। अब बच्चों हमने सबसे पहले वेवी कर मेथड बनाया, ज़ीरो यहाँ माइनस वन यहाँ प्लस वन, ठीक है। अब वेव बनाइए, प्लस माइनस प्लस माइनस, लोअर लिमिट है माइनस वन तो यहाँ बाउंड्री बना दी, अपर लिमिट है टू तो बाउंड्री थोड़ी सी आगे चली जाएगी, बोलो ठीक है। तो माइनस वन से कहाँ तक है टू, तो अब आप चेक करो माइनस वन से ज़ीरो का जो नेचर है वो पॉजिटिव है, तो इसका मतलब मॉड हटेगा, कैसा साइन आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। ज़ीरो से वन का नेचर बच्चों कैसा आ रहा है, निगेटिव, तो मॉड हटेगा निगेटिव आएगा। लेकिन वन से टू का नेचर बच्चों अब फिर पॉजिटिव हो गया, तो मॉड हटेगा और क्या जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब बस हमें कुछ नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो एक्स की पावर फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट क्या होगी, माइनस वन से ज़ीरो, यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट क्या आ जाएगी, ज़ीरो से वन। नेक्स्ट बताओ, एक्स की पावर फोर अपॉन फोर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट इज़ वन से टू, ठीक है। तो अब इसमें लगाएंगे अपर लिमिट, तो एक्स की जगह ज़ीरो, माइनस लोअर लिमिट वन बाई फोर माइनस वन बाई टू, सिमिलरली अपर लिमिट तो वन बाई फोर वन बाई टू एंड माइनस का कितना आ जाएगा, ज़ीरो। यहाँ पे टू रखो तो सिक्सटीन बाई फोर एंड फोर बाई टू, माइनस वन बाई फोर एंड माइनस वन बाई टू, ठीक है बच्चों। देखो यही डिजिट तीन बार आ रही है और माइनस में भी है, तो थ्री टाइम कर दो कैलकुलेशन भाई, हमें जितनी आसान हो जाए उतनी बढ़िया है, है ना। तो यहाँ फोर हो जाएगा, यहाँ माइनस टू हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करो तो फोर से एलसीएम, वन माइनस टू एंड टू बचा, तो यहाँ आ जाएगा थ्री बाई फोर, फोर टू जा एट और थ्री, तो कितना आंसर आ जाएगा, इलेवन बाई फोर, ठीक है प्यारे बच्चों।